प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब परिवार को 5,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। जो लोग बचे हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री के जनारोग्य सेवा के माध्यम से इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। जिन लोगों के अंदर आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य सेवा से जुड़े हुए गोल्डन कार्ड में निबंध पाए हैं, इन स्वास्थ्य बीमारों में वे गोल्डन कार्ड ही बनाने की व्यवस्था की गई है, जिससे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसे लगता है किसी किसी बड़े सेंटर में जाकर के उपचार करना चाहिए, इस सारी सेवा सुविधा एक गोल्डन कार्ड के माध्यम से किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के वह प्राप्त कर सकता है। यानी 5,000 रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा आपको निःशुल्क किसी भी हॉस्पिटल में सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल सकती है। और इसी के लिए ये फिर कार्यक्रम कार्यक्रम आपने सरकार ने दिया है। मैं स्वयं गोरखपुर में इस आरोग्य मेला का निरीक्षण करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे विश्वास है कि गोरखपुर और क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य मेले का पहले से प्रयास है, क्योंकि पहले ने गोरखपुर की सलाह में हिमालय से सरकार के और एक कार्यक्रम हमारे लिए कहता था, आप लोग इसका लाभ लें। इसीलिए के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका लाभ लेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर में सीएम योगी पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीर आप भी देख सकते हैं कि कैसे सीएम योगी ने अभी जो लोग पहुंचे थे उनको संबोधित किया और अपने बात अपने जो बातें हैं उनके सामने रखी। तो आपको बता दें सीएम योगी का ये गोरखपुर का दौरा है, जो ये दौरा है 2 दिन तक सीएम योगी का रहेगा। इस दौरान 2 दिन में सीएम योगी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई जो काम है उनके यहाँ पर होंगे। और इसके साथ साथ जो पीएम का दौरा है वाराणसी का, उसका भी जायजा खुद सीएम लेंगे कि आखिर दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं। वहीं और दूसरी अहम बात जो होगी वो होगी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। आप सभी को पता होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो योगी सरकार ने कहा है कि इस साल के अंत तक वो जनता को समर्पित कर देगी, उसका भी जो कार्य है वो देखने खुद सीएम जाएंगे, आजमगढ़ में दौरा करेंगे। आजमगढ़ में जाकर वो देखेंगे कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसका कार्य कितना हुआ और कितनी गति से कार्य चल रहा है। आपको बता दें वहीं 561 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात सीएम गोरखपुर को देंगे। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के तो हमारे सहयोगी हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़े हैं इस पे। हरेंद्र, ये पूरा अगर मामला देखा जाए तो सीएम योगी 2 दिन के दौरे पर यहां पर हैं और खुद कई चीजों का जायजा लेंगे, तो ऐसे में देखा जाए तो क्या सीएम योगी भी खुद सख्त हैं, तभी जो अधिकारी हैं सख्त होंगे। देखना चाहते हैं कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वो जनता को सौंपना चाहते हैं वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा 2020 के आखिरी तक। सबसे बड़ी बात रही कि आपने सही पूछा कि 2 दिन दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मानती योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोराबार पहुंचे, जहाँ पर फीता काट के मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया। साथ ही साथ 6 बच्चों को, 9 निहाल बच्चों को अन्नप्राशन कराया और 6 महिलाओं की गोद भराई भी कराई। उसके बाद जितने स्टॉल लगे हैं उसका निरीक्षण किया। जहां तक बात है पूर्वांचल के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए अथक प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। बार बार गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ के दौरे वो ये साबित करते हैं कि मुख्यमंत्री
जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो या अन्य चीज हो, उसको लेकर के सख्त दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं पूरी की जाए। आज उनके दौरे पर पूर्वांचल के युवाओं को एक सुनहरा अवसर मिला है उनके दौरे में कि रोजगार मेले का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रांगण में लगाया गया है, जिसमें हजारों बच्चों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया है, पूर्वांचल जो पहले पिछड़ा माना जाता था, इंसेफ्लाइटिस ग्रसित क्षेत्र माना जाता था, उससे निजात इस स्वास्थ्य मेले से मिलेगी। अगर हफ्ते में कोई सोमवार मंगलवार बुधवार को अगर स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करा पा रहा है, तो उसके लिए अलग से जो मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया, हर रविवार को वरिष्ठ डॉक्टर बैठेंगे, सर्जन बैठेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जो छूटे छिटके होंगे वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो जहां तक बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए अथक प्रयासरत हैं कि क्या किया जाए उनके उत्थान के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके विकास के लिए, उनके रास्ते के लिए, सब चीज को लेकर के मुख्यमंत्री सख्त दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।